एमपी के सबसे खतरनाक गैंग के बदमाश पुलिस को चकमा दे रहे थे एमपी पुलिस को, लेकिन यूपी में धरे गए। यूपी पुलिस ने नहीं छोड़ा, यूपी पुलिस ने बुरा हाल कर दिया। मैं बात कर रहा हूं अपराध की दुनिया में एमपी की सबसे खतरनाक गैंग माने जाने वाली पारदी गैंग की। दरअसल ये गैंग पहुंची थी मथुरा और मथुरा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की थी गैंग ने। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली मथुरा पुलिस को कि ऐसे ऐसे बदमाश हैं जो कि कोसी इलाके में है। पुलिस पहुंची वहां पर, लेकिन ये बदमाश जैसे मैं बताया एमपी के बड़े खतरनाक गैंग है। यूपी पुलिस को देखते ही इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। यूपी पुलिस भी पीछे नहीं हटी, शॉर्ट इनकाउंटर कर दिया और गैंग को धर दबोचा। एसएसपी के मुताबिक अकेले यूपी नहीं, इनका पकड़ा जाना एमपी के लिए भी राहत की बात है। और 40 को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें एक 9 सदस्यीय गैंग जो एमपी का रहने वाला है और चोरी, लूट, डकैती, हत्या, हर तरह के अपराधों को कारित करता है। पारदी गैंग के नाम से ये कुख्यात है। जैसा मैंने बताया, इनके 9 सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। 3 सदस्य पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और इनके 6 अन्य सदस्य इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनसे बरामदगी हुई है। जो घायल अपराधियों की बात करें तो इसमें राजवीर, राजा बाबू और राम भवन 3 अपराधी घायल हुए और बाकियों की अन्य की गिरफ्तारी हुई है। राजवीर की बात करें तो उसके विरुद्ध 19 मुकदमे हैं और उन्हीं का एक साथी जिसका नाम राजेश है उसके विरुद्ध 23 मुकदमे हैं और इसमें से 2 अपराधी ऐसे भी हैं जो 2024 में मध्य प्रदेश से हत्या के मामले में वांछित चल रहे थे। यूपी पुलिस ने दरअसल ये बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इनमें से पारदी गैंग के जो 2 मेंबर हैं, 9 लोगों को पकड़ा गया, इनमें से 2 बदमाश ऐसे हैं जो एमपी के बहुचर्चित हत्याकांड में वांछित हैं, यानी वांटेड हैं। मोहन हत्याकांड हुआ था गुना में मई में और उसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो लगातार फरार चल रहे थे और उन पर आधा सैकड़ा मामला दर्ज है। आप सोचिए 50 से ज्यादा केस दर्ज है गैंग के, इतनी खतरनाक गैंग है और उनको एमपी पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। ये गैंग के साथ मिलकर पहुंच गए यूपी। यूपी में मथुरा में बड़ी वारदात की तैयारी थी, लेकिन यूपी पुलिस भी उस वक्त एक्शन में आ गई जब उनको लगा ये गैंग खतरनाक है, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी लूट वाली गैंग सीधे पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दे। यूपी पुलिस पर फायरिंग शुरू हुई, तब यूपी पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया। इसमें हालांकि 2 लोग घायल हो गए, लेकिन घायल बदमाशों को भी पुलिस ने इलाज के लिए ले गई, लेकिन गैंग के सदस्यों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली। आप देखते रहें एमपी तक।